चार संज्ञा दे दी एक श्लोक में, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं, जैसे हिरण्यकश्यपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे, फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिवजी का उपासक था रावण, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया, यानी शिव का पुजारी, उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया, बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक, उसके द्वार के सामने गेट के सामने ऊपर न पैर करके नीचे न सिर सिरासन तपस्या शुरू कर दी हठ योग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ हैं। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तुम मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध बोल। एकदम खड़ा हो गया सीधा ऊपर ने सिर करके, कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखे है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा, निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी समय कह दिया कि होले होशियार शिव जी तुझे मारूंगा, मैं इसलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया तेवर। अब देख लिया भगवान शिव ने भी भाई तो बात बिगड़ गई, चेहरा बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहाँ से अपनी जान बचा के। अपने आत्माओं देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जो टैंक की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय कालज्ञ सर्वशक्तिमान महेश्वर सर्वशक्तिमान, बताइए मृत्युंजय था डर के भाग रहा, कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोब लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में नौका में बैठा ले गया, हथकड़िया बांध कर पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया, हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान, तोब के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, चार पैर 12 घंटे तक तोब के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया, वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी, स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग गए इसलिए रहा था उसने, पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो, और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी के लाड़ पड़े रही थी उड़े डट गया, तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो कहने लगा मैं तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा लिया मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर इस पर ने, ऐसे कर इस हाथ ने, ऐसे कर इसने, ऐसे कर और ऊपर कर, जिसमें कड़ा ले रखा था ना वो भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफ़ी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए, और शिव जी पीछे देख कर भाग गए, और कहा भागले विष्णु भागले।
राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख यू तेरा कड़ा ले आया मैं, उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के और उसको गंडत नाथ नचा के मार दिया है। अब उसका जचा को नहीं ये बात, तब साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देख यू मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे, अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है और दे दिया कड़ा ठा के उसका, दो मारो जूत भगा देता वहाँ से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुए मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरिया। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी माँ पर नीत डिगारा यानी इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इस देव दुष्ट और कौन होगा।